नमस्कार, स्वागत है आपका डीबी भारती समाचार में। मैं हूं आपके साथ वर्षा वर्मा। आगरा में प्रदूषण मुक्त भारत की दिशा में बढ़ते हुए और रियोटो इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा आगरा में 5E व्हीकल्स को लॉन्च किया गया। ताजनगरी आगरा के डिगनर में श्री राम ऑटोमोबाइल्स के शोरूम के उद्घाटन के दौरान रियोटो इलेक्ट्रॉनिक प्राइवेट लिमिटेड के CEO संदीप रहलन ने मीडिया से मुखातिब होते हुए कंपनी के उत्पादों के बारे में विस्तृत से जानकारी दी। आपको बता दें कि प्रदूषण मुक्त भारत के मिशन में ई व्हीकल्स मील का पत्थर साबित हो रहे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी ई व्हीकल्स को बढ़ावा देने के लिए लगातार कई योजनाएं लेकर आ रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ते तेल की कीमतों और पर्यावरण के हित में काम करने के उद्देश्य से अब आम भारतवासी पेट्रोल डीजल वाहनों को छोड़ ई व्हीकल्स की तरफ ही देख रहा है। ताजनगरी आगरा के डिगनर में रोयोटो इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड ने लोगों का ये सपना सच करके दिखाया है। ताजमहल होने की वजह से आगरा NGT घोषित क्षेत्र है। आगरा में प्रशासन और सरकार द्वारा भी ताजमहल की सुरक्षा को बनाए रखने के लिए उद्योग धंधों से निकलने वाले धुएं और डीजल पेट्रोल की गाड़ियों से निकलने वाले प्रदूषण को रोकने के प्रयास किए गए हैं। रियोटो ऑटो इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा सरकार के इस महत्वाकांक्षी मिशन के साथ कदम से कदम मिला रही है। रियोटो CEO संदीप रलहन ने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों और भारत में लगातार बढ़ रहे प्रदूषण को लेकर रियोटो द्वारा ई व्हीकल्स बाजार में लॉन्च किए गए मॉडल्स को लेकर कंपनी काफ़ी उत्साहित है। रियोटो इलेक्ट्रिक्स कंपनी की तरफ से आज आपके सामने हम सब यहाँ प्रेजेंट हैं आगरा मंडल में। मेरा नाम संदीप रलहन है, मैं कंपनी का CEO हूँ। मेरे साथ में यहाँ के डिस्ट्रीब्यूटर मिस्टर जैज, जो कि श्री ऑटोमोबाइल्स जिन्होंने हमसे डीलरशिप लिया है, मिस मुक्तिका शर्मा और आगरा मंडल की जो हमारी रिप्रेजेंटेटिव है मिस हिंदू ठाकुर, ये सब पूरी टीम यहाँ पर आई है। ग्रीन रेवोल्यूशन आज हर जगह पे अक्रॉस इंडिया के अंदर सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो पोल्यूशन का है, पहला। दूसरा एयर पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन और इकॉनमी। आज बिलियन ऑफ डॉलर्स, अरबों रुपया इंडिया से बाहर जा रहा है। सब जितना भी टैक्सेस हम लोग पे करते हैं उसका बड़ा मेजर हिस्सा क्रूड ऑयल को इंपोर्ट करने के लिए, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में इंपोर्ट करने के लिए। इसके मद्देनज़र सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट्स ने मिलकर ई वी पॉलिसी नहीं निकाली, जिसके अंदर हम जैसे मीडियम बिजनेसमैन लोगों को अपॉर्चुनिटी मिली कि हम लोग अपनी कंपनीज फॉर्म करके इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स को लॉन्च कर सके। उसी स्कीम के अंदर रियोटो इलेक्ट्रिक्स प्राइवेट लिमिटेड ने अपने पूरी रेंज मॉडल्स की लॉन्च करी है। जापानीज टेक्नोलॉजी से बने हुए, एरोडायनेमिक टेक्नोलॉजी से बने हुए ये जो मॉडल्स हैं, न्यूट्रॉन एटम, ऑलरेडी हमारे यहाँ पे 2 शोरूम आगरा मंडल के अंदर हैं। हम 10 शोरूम और खोलने जा रहे हैं। ये तीसरे नंबर का शोरूम है डिगनेर के अंदर, यहाँ पे 5 मॉडल्स हम लोग लॉन्च कर रहे हैं। 70,000 रुपये से लेके 225,000 रुपये की रेंज के अंदर के मॉडल्स हैं, जितने भी 100% इलेक्ट्रिकल मॉडल्स लिथियम बैटरी से बने हुए हैं, पोल्यूशन फ्री बैटरी हैं। लगभग 70 किलोमीटर की माइलेज से 125 किलोमीटर की माइलेज एक सिंगल चार्ज पे आपको देगा। तो पेट्रोल जो इस वक्त आज की डेट में 100 रुपये से ऊपर चल रहा है, एक बारी हमारे ये मॉडल्स खरीदने के बाद व्यक्ति को पेट्रोल की तरफ देखने की ज़रूरत नहीं है। और लगभग 3 से 4 साल चलाने के भीतर भीतर आपको ये जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल है रियोटो इलेक्ट्रिक्स का, आपकी इन्वेस्टमेंट भी नहीं जिस प्राइस पे आपने खरीदा, ऊपर 2 से 2.25 लाख रुपया मुनाफा करके जाएगा, बचा के जाएगा, क्योंकि लगभग 4 से 5 हज़ार रुपये का अगर पेट्रोल। हिंदू ठाकुर नाम है सर मेरा, मैं रियोटो के साथ एज बिजनेस मैनेजर आगरा मंडल के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं आगरा मंडल की किस तरह के इसमें ग्राहकों के लिए बेनिफिट मिलेगा और गाड़ियों के लिए तो क्या बेनिफिट मिलेगा? बैटरी बैकअप की बात करें तो कितना बैटरी बैकअप उसमें मिलेगा? जी सर, इसमें हमारे पास 54,000 से 92,000 तक के सभी मॉडल्स हैं, जिसमें हमने सभी श्रेणियों का ध्यान रखा है। कमर्शियल में आपका लोडर है,
जिसका आपका 400 से 500 किलो तक का बेन कैपेसिटी है, उसमें आप बैठ ले जा सकते हैं। और ये जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में जो काम करते हैं उनके लिए बहुत ही आइडियल प्रूफ हो रहा है। यहाँ पे ऑलरेडी आगरा में हमारा लोडर वर्क जो परफॉर्म कर रहा है। 54,000 वाला जो हमारा मॉडल है वो उनके लिए है जो प्रिफर नहीं कर सकते कि एक बार में 80-90,000 स्पेंड कर सके, स्टूडेंट्स हैं। तो जी क्षेत्रीय आधार ध्यान में आ रहा है, ठीक है ना, जिसमें कितनी की गारंटी देती है, कितनी मजबूत बैटरी लगाई है, क्योंकि छाती क्षेत्र के हिसाब से देखा जाए तो आप लोग अपनी गाड़ी के बारे में सामने अच्छी क्वालिटी की लिथियम बैटरी हम प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसमें हमारे स्कूटर का 3 इयर्स का जो बैटरी का गारंटी है वो 3 साल का है गारंटी वारंटी। और जिसमें आपका माइलेज जो है अकॉर्डिंग टू मॉडल हम प्रोवाइड कर रहे हैं 60 to 125 तक का हमारे पास सभी। माँ भगवान देवी हॉस्पिटल 24 घंटे इमरजेंसी और अत्याधिक सुविधाओं से युक्त पादा बेहतर स्वास्थ्य का पता माँ भगवान देवी हॉस्पिटल मैनपुरी चौराहा बजाज एजेंसी के सामने शिकोहाबाद जनपद फिरोजाबाद। डायरेक्टर डॉक्टर ए.के. राजपूत। बलरामपुर जिले में योगीराज में देश का चौथा स्तंभ कहे जाने वाला पत्रकार भी नहीं है सुरक्षित। ताजा मामला जनपद बलरामपुर के अंतर्गत देहात कोतवाली क्षेत्र में पुलिस की मिलीभगत से चल रहा अवैध मिट्टी खनन का काला कारोबार। आपकी जानकारी के लिए बताते चलें कि अवैध मिट्टी खनन कवरेज करने गए पत्रकार ब्रजेश कुमार उपाध्याय से सरकारी तालाब से अवैध मिट्टी खनन कर रहे छोटू उपाध्याय पुत्र विजय कुमार, ऋतिक उपाध्याय पुत्र पवन उपाध्याय, शेखरपुर थाना कोतवाली देहात के द्वारा देर रात्रि घर में घुसकर किया गया मारपीट तथा सुबह पत्रकार ब्रजेश कुमार उपाध्याय व उनके चाचा मिथिलेश प्रसाद को दबंग अवैध मिट्टी खनन माफियाओं ने किया मारपीट तथा पत्रकार ब्रजेश कुमार उपाध्याय के चाचा का फटासर। पीड़ित पत्रकार ने देहात कोतवाली में लगाई न्याय की गुहार। अब देखना यह है कि आखिर क्या दबंग खनन माफियाओं पर चलेगा प्रशासन का डंडा या फिर उनके ऊंचे रसूखों के बल पर बच निकलने में होंगे खनन माफिया कामयाब और पत्रकार न्याय के लिए लगाता रहेगा सरकारी दफ्तरों के चक्कर। दरअसल बात यह है कि मैं ग्राम पंचायत शेखरपुर का रहने वाला हूं और हमारे ग्राम पंचायत में आए दिन छोटू उपाध्याय नाम के व्यक्ति द्वारा अवैध खनन किया जाता है। खनन जो अगर होता है मिट्टी का तो मिट्टी का भी करते हैं, बालू पाले तो बालू का भी खनन कर रहे हैं। उसके बाद में उसी के संबंध में कल हमको हमारे चाचा जी द्वारा सूचना दी गई कि मतलब यहाँ पर अवैध खनन हो रहा है या मतलब जैसा भी हो खनन हो रहा है उसका आप आकर के वीडियो बनाइए। तो मैंने कहा कि ठीक है मैं पहुँचता हूँ तब तक के लिए आप वीडियो बना लीजिएगा। गाड़ी हमारे घर के सामने से गुजर रही थी, चाचा जी वीडियो बना रहे थे, इतने में छोटू उपाध्याय पहुँचे वहाँ पर और चाचा से फिर गए और उनको मारे पीटे तथा उनकी मार से और चाचा का सर फट गया। और हम जब तक पहुँचे वहाँ पे तो हम लोग उसे भी हमारे साथ हमारे चचेरे भाई गौतम और विशाल भी आए तो उनको और हमको भी मारे पीटे काफ़ी चोटें आई हैं और उसी संबंध में हमने तहरीर भी थाने पर दिया परंतु अभी तक कोई कड़ी कार्रवाई नहीं हुई और ना ही अभी किसी को गिरफ्तार किया गया। कब से खनन करते हैं ये लोग भैया? ये हमेशा कंटिन्यू है, बहुत दिनों से है, आज से नहीं है, इस पर 4-5 सालों से चल रहा है। तो इस पर पुलिस प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर पा रहा है? प्रशासन या कोई भी व्यक्ति हो, मैं भी एक पत्रकार हूँ, मैं कभी भी अगर खनन इंस्पेक्टर को फ़ोन मिलाता हूँ तो उनका फ़ोन नहीं उठता है। यदि अगर हम और किसी को SDM साहब को मिलाइए अगर तो वो भी मतलब फ़ोन अगर उठ जाता है तो ठीक है कहकर कार्रवाई होगी कहकर टाल दिया था। कभी कार्रवाई होती देखा नहीं। आप लोगों ने जब विरोध किया तो खनन माफियाओं ने आपको पिटाई की? एकदम से छोटू उपाध्याय ने इस प्रकार से मारा कि आप देख सकते हैं यहीं पर हमारे चाचा जी बैठे हुए हैं, उनके सर फट चुका है एकदम से। उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल तुलसीपुर के नवनिर्वाचित मंत्री अमन गुप्ता की ओर से जन्माष्टमी पर नगरवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। जय बिहार कॉलोनी गुशाहा में आवासीय गेटेड कॉलोनी में प्लॉट मात्र 12,50,000 में जहां आपको गेटेड कॉलोनी के साथ बिजली पानी सीसी रोड भी उपलब्ध है। प्राइम लोकेशन जहाँ तहसील बच्चों के लिए स्कूल हॉस्पिटल बस कुछ ही दूरी पर उपलब्ध है। वीर विनायक चौराहा पर जय बिहार कॉलोनी। पहले आए पहले पाए, संपर्क करें 9918781000। यूपी के बरेली में 93वीं श्री गंगा महारानी की विशाल शोभा यात्रा सोमवार को धूमधाम से निकाली गई। शोभा यात्रा की मुख्य अतिथि शशिवाला राठी और विशिष्ट अतिथि महापौर उमेश गौतम ने पूजन कर हरी झंडी दिखाकर मलूकपुर श्री गंगा महारानी मंदिर से रवाना की। शोभा यात्रा में विभिन्न स्वरूपों की झांकियां, बैंड बाजा, घोड़े, डीजे शामिल थे।
महापौर उमेश गौतम ने बताया, बरेली में महारानी की 93वीं शोभा यात्रा निकाली जा रही है। ये शोभा यात्रा है, यानी कि आज़ादी के पूर्व से भी यह शोभा यात्रा निकलती चली आ रही है और गंगा महारानी का आशीर्वाद ही है कि बरेली तरक्की कर रहा है। लगातार बरेली पर माता गंगा का आशीर्वाद है कि बरेली के अंदर कितनी भी तरक्की है पिछले 4 वर्षों में देख रहे हैं, वो सब गंगा महारानी का आशीर्वाद है। उनके जो अध्यक्ष हैं, जो सचिव हैं, सभी लोगों से विनम्र आग्रह है कि सद्भाव के साथ जैसे शोभा यात्रा हमेशा निकलती है, ऐसे ही निकालकर बरेली वालों के ऊपर माँ गंगा महारानी का आशीर्वाद बनाए रखें। गंगा महारानी की शोभा यात्रा ये 93वीं शोभा यात्रा है, यानी कि आज़ादी के पूर्व से भी ये शोभा यात्रा चलती आ रही है और गंगा महारानी का आशीर्वाद ही है कि बरेली अब तरक्की कर रहा है। लगातार बरेली पर माता का आशीर्वाद है कि बरेली के अंदर जितनी भी तरक्की आप पिछले 4 वर्षों में देख रहे हैं वो सब गंगा महारानी का आशीर्वाद है। उनके जो अध्यक्ष हैं, जो सचिव हैं, सभी लोगों से मेरा ये विनम्र आग्रह है कि इसी तरह इसी सद्भाव के साथ जैसे शोभा यात्रा हमेशा निकलती है, इसी शोभा यात्रा को ऐसे निकाल कर बरेली वालों के ऊपर गंगा महारानी का कृपा और उनका आशीर्वाद ऐसे ही बनाए रखें। पूरे शहर में घूमेगी। पूरे डी फार्मा और बी फार्मा कोर्सेज में एडमिशन लेकर बनाए अपना करियर। मेडिकल फील्ड में एडमिशन के लिए आज ही आए आरए इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, सहजनवा, बासी रोड, रंबापुर, कुर्दिया, सिद्धार्थ नगर। डी फार्मा और बी फार्मा कोर्सेज में एडमिशन लेकर बनाए अपना करियर। मेडिकल फील्ड में एडमिशन के लिए आज ही आए आरए इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, सहजनवा, बासी रोड, रंबापुर, कुर्दिया, सिद्धार्थ नगर। डी फार्मा और बी फार्मा कोर्सेज में एडमिशन लेकर बनाए अपना करियर। मेडिकल फील्ड में एडमिशन के लिए आज ही आए आरए इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, सहजनवा, बासी रोड, रंबापुर, कुर्दिया, सिद्धार्थ नगर। डी फार्मा और बी फार्मा कोर्सेज में एडमिशन लेकर बनाए अपना करियर। मेडिकल फील्ड में एडमिशन के लिए आज ही आए आरए इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, सहजनवा, बासी रोड, रंबापुर, कुर्दिया, सिद्धार्थ नगर। यूपी के बलरामपुर में माननीय राज्य मंत्री खाद एवं रसद एवं नागरिक आपूर्ति श्री सतीश चंद्र शर्मा जी द्वारा जनपद के भ्रमण के दौरान विभागीय मंडलीय एवं जनपदीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की गई। माननीय मंत्री जी ने मंडल के सभी जिला पूर्ति अधिकारियों को निर्देश दिया कि कोई भी पात्र व्यक्ति राशन कार्ड से वंचित न रहे, राशन कार्ड हेतु कोई भी आवेदन पत्र लंबित न रहे, आवेदन के 2 दिन के भीतर सत्यापन करते हुए पात्रों का राशन कार्ड बनवाया जाए। माननीय विधायक गढ़, जनप्रतिनिधि गढ़ से नए राशन कार्डों का विवरण सुनिश्चित किया जाए। खाद्यान्न वितरण से संबंधित शिकायतों का त्वरित एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण, राशन कार्ड धारकों को निर्माणाधीन मात्रा में गुणवत्तापूर्ण खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाए। सिंगल स्टेज व्यवस्था के तहत GPS युक्त ट्रकों की संख्या बढ़ाई जाए। शासन देश के अनुसार 25% हल्के वाहनों का प्रयोग सुनिश्चित किया जाए। माननीय मंत्री जी ने कहा कि खाद्यान्न वितरण प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी बनाते हुए अधिक से अधिक के लाभार्थियों को योजना का लाभ प्रदान करें। माननीय राज्य मंत्री जी द्वारा मंडल के सभी खाद्य विपणन अधिकारियों को आगामी धान खरीद की सभी तैयारियां पूर्ण कर लिए जाने का निर्देश दिया गया। माननीय मंत्री जी ने कहा कि क्रय एजेंसियां जिनके विरुद्ध अनियमितताएं की शिकायतें मिली हैं उनको क्रय केंद्र ना बनाया जाए। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर। बरेली के थाना मीरगंज क्षेत्र से दिल को दहला देने वाली घटना सामने आई है। घर से निकलते एक व्यक्ति की कुछ अज्ञात व्यक्तियों ने हत्या कर शव को मीरगंज अनुबिस डिग्री कॉलेज के पीछे शीशम के पेड़ से लटका दिया।
मृतक के दोनों हाथ पीछे बंधे हुए थे। सूचना पर पुलिस प्रशासन ने पहुंचकर जांच पड़ताल की। मामला स्थानीय थाना क्षेत्र के ग्राम फिरिया खुर्द से जुड़ा है। यहां के रहने वाले शिशुपाल गंगाराम पुत्र भजन लाल की दिन दहाड़े किसी ने हत्या कर दी और शव को परोरा के जंगल स्थित एक शीशम के पेड़ से लटका दिया। मृतक के दोनों हाथ पीछे रस्सी से बंधे हुए थे। इस बात का अनुमान लगाया जा रहा है कि शायद हत्या कहीं और की गई है तथा हत्या को आत्महत्या का रूप देने के लिए शव को यहां लाकर टांग दिया हो। जल्दबाजी में हत्यारे हाथ की रस्सी खोलने से पहले ही भाग गए हों। सवाल उठता है, डिग्री कॉलेज में लगे सीसीटीवी कैमरे भी खराब हैं। अनूब इस डिग्री कॉलेज से लगभग 500 मीटर पीछे एक बाग है, जिस बाग में अधेड़ व्यक्ति का सब पेड़ से लटका हुआ पाया गया है। मौके पर पहुंची पुलिस ने सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। जैसे ही ये सूचना घर में पहुंची, कोहराम मच गया। सूचना पर मीरगंज सीओ क्षेत्राधिकारी राजकुमार मिश्र, थाना प्रभारी देवराज व दरोगा सतबीर सिंह मैफोस घटनास्थल पर पहुंचे और शव को पेड़ से नीचे उतरवाया और शव को पोस्टमार्टम के लिए बरेली भेजा। सूचना पर फॉरेंसिक टीम ने भी नमूने एकत्र किए। तो आप क्या भाई हो? हम शामिल में तो तीन भाई हैं, वैसे चार हैं। आप टोटल चार भाई हो? हाँ। तो ये जिनका मर्डर हुआ है आज, वो हमसे छोटे हैं। वो कितने भाइयों में छोटे हैं? हम दो से छोटे हैं। आप दो से? तीसरे नंबर के हैं। हाँ। क्या नाम है इनका? शिशुपाल। कितने बच्चे हैं इनके? तीन। कितने कितने बड़े हैं? ये लड़का तो होगा 18 साल का। 18 साल का? हाँ, लड़की 20 साल। 20 साल की। हाँ। कितने बच्चों की शादी हो चुकी है? एक भी बच्चों की शादी हुई है। लड़का 12 साल। इनकी उम्र क्या रही होगी? इनकी उम्र 40 साल समथिंग होगी। समथिंग 40। अच्छा, आपको लग रहा है कि आपको किसी पर शक हो, कोई इस तरह की दुश्मनी रही हो, कि किसी ने कुछ ऐसी घटना को अंजाम दिया? ना, कोई आपको किस तरह का शक नहीं है? हम तो रात बिरात सब में ही चलते रहते हैं, क्योंकि हमारा काम ऐसे क्षेत्र को सबसे भलाई है, हमारी बुराई कोई चीज़ है। घर से कैसे निकले थे ये? बाइक से। बाइक कहाँ? थाना क्षेत्र मीरगंज के एक गांव में एक व्यक्ति का शव पेड़ से लटका हुआ प्राप्त हुआ है, जिनकी पहचान हो गई है। उनके परिजनों की इसकी सूचना दे दी गई है। परिजनों ने अभी कोई तहरीर थाने पर नहीं दी है। घटना कम खर्चे में अच्छा इलाज कराएं, नवजीवन हॉस्पिटल 24 घंटे इमरजेंसी, अत्याधिक सुविधाओं से युक्त बाधा बेहतर स्वास्थ्य का डिलीवरी, नॉर्मल एवं ऑपरेशन द्वारा कराने की सुविधा है। पित्त की थैली में पथरी का ऑपरेशन एवं गुर्दे पेशाब की थैली में पथरी का इलाज दवाइयों द्वारा किया जाता है। हृदय रोग, ब्लड प्रेशर, शुगर, नींद न आना, श्वास फूलना, पेट एवं छाती के रोगों का इलाज कुशल चिकित्सक की देखरेख में किया जाता है। पता, रेलवे लाइन के किनारे निकट दाल मिल पैमेश्वर गेट रेलवे पुल के पास, नया रसूलपुर फिरोजाबाद। निदेशक श्री राम गोपाल वर्मा जी। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में शांतिपूर्वक कोटे की दुकान का प्रस्ताव संपन्न हुआ। ग्राम पंचायत कटकुसमा में कोटे की दुकान का प्रस्ताव शांतिपूर्वक संपन्न हुआ। तेज तर्रार कार्यशैली के थाना अध्यक्ष पंकज त्रिपाठी के नेतृत्व में चौकी प्रभारी नकहा अजीत कुमार सिंह की मौजूदगी में बेहद संवेदनशील चल रहे कोटे की दुकान का प्रस्ताव को सकुशल निपटाया। निर्विरोध अन्नपूर्णा तिवारी पत्नी दिनेश तिवारी को सर्वसम्मति के ग्राम पंचायत की सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान का प्रस्ताव किया गया। थाना खीरी से उपनिरीक्षक उदय भान मिश्रा, उपनिरीक्षक अशोक यादव सहित महिला आरक्षी एवं पुलिस बल व PAC के जवान मुस्तैद रहे। कोटे का प्रस्ताव होना था, क्या हुआ? प्रस्ताव ठीक हुआ, शांतिपूर्वक हुआ। हाँ, शांतिपूर्वक। आपके शहर फिरोजाबाद में खुल गया राम शांति वेडिंग प्लानर्स एंड इवेंट। हमारे यहाँ शादी विवाह एवं बर्थडे पार्टी के लिए फ्लावर डेकोरेशन, लाइट डेकोरेशन, कैटरिंग, डीजे साउंड, फर्नीचर, वीडियोग्राफी, ट्रेवल्स, ब्यूटी पार्लर और सिक्योरिटी बाउंसर, लड़के लड़कियाँ, VIP वेटर, सभी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध है। राम शांति वेडिंग प्लानर का पता राम शांति पतंजलि केंद्र, बजरंग नगर, हनुमान मंदिर के पीछे, जलेसर रोड, फिरोजाबाद। डायरेक्टर मिस्टर राकेश कुमार कश्यप।
बरेली के विकास खंड विथरी जैनपुर ब्लॉक में कार्यरत NRLM की महिलाओं ने प्रभारी एकरा मैडम की शिकायत मुख्य विकास अधिकारी से की है। उन्होंने कहा कि एकरा मैडम अपमानित करती हैं और बार बार नौकरी से निकाल देने की धमकी देती हैं। जब हम लोग BMM के ऑफिस में जाते हैं वहां अपमानित किया जाता है, जिससे वो कार्य करने में अपने आप को बड़ा असहज महसूस कर रही हैं। उन्होंने मुख्य विकास अधिकारी से मैडम के व्यवहार को ठीक करवाने की अपील की, जिससे वो अपना काम कर सकें। सभी ने मुख्य विकास अधिकारी के कार्यालय में शिकायत की। मेरा नाम मंजू सर, हमारी यही मांगे हैं, जो हमारा बकाया भुगतान है 6-6 और 7-7 महीनों का हो गया हम सभी बहनों का, और हम लगातार ज्ञापन दे रहे हैं लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। यही बोल रहे हैं कि कल पड़ जाएगा, परसों पड़ जाएगा। हमने फ़ोन पे भी सीमा सर से बात की तो उन्होंने बोला कि हमने जो कमिटेड पैसा है सारा 20-20 लाख PSEO पे भेज दिया, लेकिन जब हमने अपने MOIC सर से पूछा सभी ब्लॉकों में तो वो ये बोल रहे हैं नहीं आया है। उसी की आज हमने बात सीमा सर से की तो उन्होंने आज हमें एक आदेश जारी किया है, और वो जो गाइडलाइन है कमिटेड पैसे की वो भी दे रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि हमने सारा पैसा ब्लॉकों को भेज दिया, और जो अप्रैल का इधर पैसा है उन्होंने कहा है कि 7 दिन में हम लोग डाल देंगे। अब हम ये सिर्फ 7 ही दिन देखेंगे, उसके बाद हम अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे, क्योंकि हमारी सभी बहनें इतना परेशान हैं कि शाम को मैसेज सुबह ही फील्ड में निकल जाती हैं, कहाँ से पेट्रोल लाएँ, कहाँ से बच्चों को देखें, क्या करें। हम सब लोग भुखमरी के कगार पे हैं, आज एक एक पैसे के मोहताज हो गए हैं, पर ये लोग बैठ के आराम से ये कह रहे हैं सिस्टम ठीक नहीं है, कहीं पोर्टल पे नहीं चढ़ रहा है, ये यही बहाना दे दे के हम लोगों को टाल रहे हैं, बार बार टाल रहे हैं। तो आज यही बात निष्कर्ष निकला है कि सिर्फ 7 दिन का बोल रहे हैं सीमा सर, सिर्फ 7 दिन का हम लोगों को समय दे दीजिए। माँ भगवान देवी हॉस्पिटल 24 घंटे इमरजेंसी और अत्याधिक सुविधाओं से युक्त पादा बेहतर स्वास्थ्य का। पता माँ भगवान देवी हॉस्पिटल मैनपुरी चौराहा बजाज एजेंसी के सामने शिकोहाबाद जनपद फिरोजाबाद। डायरेक्टर डॉक्टर AK राजपूत। डी फार्मा और बी फार्मा कोर्सेज में एडमिशन लेकर बनाए अपना करियर। मेडिकल फील्ड में एडमिशन के लिए आज ही आए RA इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी सहजनवा बासी रोड रंबापुर कुर्दिया सिद्धार्थ नगर। डी फार्मा और बी फार्मा कोर्सेज में एडमिशन लेकर बनाए अपना करियर। मेडिकल फील्ड में एडमिशन के लिए आज ही आए RA इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी सहजनवा बासी रोड रंबापुर कुर्दिया सिद्धार्थ नगर। डी फार्मा और बी फार्मा कोर्सेज में एडमिशन लेकर बनाए अपना करियर। मेडिकल फील्ड में एडमिशन के लिए आज ही आए RA इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी सहजनवा बासी रोड रंबापुर कुर्दिया सिद्धार्थ नगर। डी फार्मा और बी फार्मा कोर्सेज में एडमिशन लेकर बनाए अपना करियर। मेडिकल फील्ड में एडमिशन के लिए आज ही आए RA इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी सहजनवा बासी रोड रंबापुर कुर्दिया सिद्धार्थ नगर। कम खर्चे में अच्छा इलाज कराएं नवजीवन हॉस्पिटल 24 घंटे इमरजेंसी। अत्याधिक सुविधाओं से युक्त पादा बेहतर स्वास्थ्य का। डिलीवरी नॉर्मल एवं ऑपरेशन द्वारा कराने की सुविधा है। पित्त की थैली में पथरी का ऑपरेशन एवं गुर्दे पेशाब की थैली में पथरी का इलाज दवाइयों द्वारा किया जाता है। हृदय रोग, ब्लड प्रेशर, शुगर, नींद न आना, श्वास फूलना, पेट एवं छाती के रोगों का इलाज कुशल चिकित्सक की देखरेख में किया जाता है। पता रेलवे लाइन के किनारे निकट दाल मिल पैमेश्वर गेट रेलवे पुल के पास नया रसूलपुर फिरोजाबाद। निदेशक श्री राम गोपाल वर्मा जी। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर। आपके शहर फिरोजाबाद में खुल गया राम शांति वेडिंग प्लानर्स एंड इवेंट। हमारे यहाँ शादी विवाह एवं बर्थडे पार्टी के लिए फ्लावर डेकोरेशन, लाइट डेकोरेशन, कैटरिंग, DJ साउंड, फर्नीचर, वीडियोग्राफी, ट्रेवल्स, ब्यूटी पार्लर और सिक्योरिटी बाउंसर, लड़के लड़कियाँ, VIP वेटर, सभी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध है। राम शांति वेडिंग प्लानर का पता राम शांति पतंजलि केंद्र बजरंग नगर हनुमान मंदिर के पीछे जलेसर रोड फिरोजाबाद। डायरेक्टर मिस्टर राकेश कुमार कश्यप।